What's up guys, this is Vikram and welcome back to my channel again. And आज है हम लोगों का day 3 of Kodaikanal ride and हम लोग वहाँ से निकले थे. Then कल हम लोग रात में day 2 में ऊटी पहुँचे क्योंकि sudden plan change हो गया. And उसके बाद में अभी we are now heading towards Bangalore. तो day 3 था, तो अभी यहाँ से निकलने वाले. 9 o'clock हो चुका है. हम लोग अभी रुके हुए हैं होटल लेक व्यू में, जो कि काफ़ी अच्छा है. यहाँ पे इधर है बेड, इधर साइड में पूरा बॉन फायर लग जाता है, मस्त. सी इफ रोड्स आर गुड देन नथिंग विल कम क्लोज. यहाँ से जो टाइम लगेगा दैट विल बी अराउंड 6 hours. तो अभी यहाँ से निकलते हैं, देन उसके बाद में आप लोगों को यहाँ का जो टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन वाला पार्ट है, यहाँ से बंदीपुर फॉरेस्ट होते हुए जाएंगे. सो दैट विल बी ऑल्सो गुड. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड. ऑलराइट गाइज, तो अभी यहाँ से करते हैं आज का जर्नी शुरू. तो सीन अभी कुछ ऐसा है, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं बैंगलोर वाया बंदीपुर फॉरेस्ट होते हुए. तो इधर अकोमोडेशन का एक चीज़ अच्छा ये है कि यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे रूम रहेगा एंड यू कैन पार्क योर व्हीकल्स हियर. तो ये चीज़ अच्छी है, अंदर तक लेके आ सकते हो. अभी यहाँ से निकल रहे हैं, सामान वामान पूरा सेट हो चुका है और सुबह एक्चुअली उठ गए थे हम लोग बट निकल नहीं पाए, काफ़ी ज़्यादा ठंडा था. ये है Z800 इलेक्ट्रिक, देखो कितना मस्त चल रहा है, एकदम बिना आवाज़ के जा रहा है. हाइब्रिड बाइक होगी एक्चुअली, इलेक्ट्रिक भी नहीं है. देखो आई एम जोकिंग. हम लोगों को पेट्रोल पड़वाने आना पड़ा एक्चुअली, दिस इज 6 kilometers बैक फ्रॉम अवर होटल. तो हम लोग यहाँ से एक्चुअली आगे निकल गए थे बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई था नहीं, मतलब पेट्रोल पंप, तो हम लोग दोबारा वापस आए. यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 103.64, ठीक है, 1 rupee का डिफरेंस है बट पूरा फुल टैंक करवाते हैं तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है. तो अभी हम लोग यहाँ से जो फॉरेस्ट एरिया है उधर से होते हुए निकल रहे हैं बट बहुत मस्त वाला जगह है. यहाँ पे रोड भी ठीक है बट थोड़ा बहुत बीच में पैचेज हैं बट लवली प्लेस. हम लोगों ने आज फिर से टाइम लगा दिया, 11 बज गए यार, शेट क्या चल रहा है. ये वाला तो यहाँ से हम लोग पूरा फॉरेस्ट वाला ज्वाइन कर चुके हैं. इधर से रास्ता एक्चुअली हम लोगों को पड़ेगा मसीनागुड़ी, वो उधर पे जाएंगे. एक थोड़ा सा पहले रूट जाता है दैट इज़ 1 way, तो थोड़ा सा आगे आके आप लोगों को ये वाला रूट लेना पड़ेगा. लवली व्यू यार, मतलब यहाँ से अगर जाते हो ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ से जाने में. वाओ क्या लग रहा है यार. ओ ये आगे मत आना, पीछे साइड से ही है रूट, पीछे साइड से है रूट ये. हाँ इधर से, एक्चुअली कंफ्यूजिंग है रोड, इधर देख के आना, बहुत ज़्यादा स्टीप सा है. सही, लवली. अभी ये वाला हम लोग जो रूट है वो ज्वाइन कर चुके हैं मैसूर ऊटी रोड.
गाइज अभी हम लोग जहाँ से रास्ते से निकल रहे हैं, ये राइट साइड में है बंदीपुर और लेफ्ट साइड में है मधुमलाई फॉरेस्ट, और यहाँ से आगे जाके अपने को मैसूर रोड ज्वाइन करना है। बट यार मस्त है, मज़ा आ रहा है, ये वाला रास्ता लोगे तो मज़ा आएगा। अरे मस्त, यहाँ पे डियर है। नहीं नहीं रेव मत करो, बेचारे डर जाएंगे। ओ वाह मस्त, खुले घूम रहे हैं मस्त एकदम। तो यहाँ से हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं बंदीपुर फॉरेस्ट, और आगे आ जाएगा बॉर्डर पूरा। बट यार मस्त है यार ये वाला रूट, आई लिटरली सजेस्ट कि मतलब अगर आप मॉर्निंग में निकल रहे हो ऊटी से, देन यू शुड टेक दिस रूट, क्योंकि यहाँ से पूरा फॉरेस्ट के अंदर से होते हुए जाता है, एंड यू कैन इन्जॉय द एक्चुअली नेचुरल ब्यूटी। मतलब यहाँ पे बहुत सही मज़ा आता है। पार्किंग ऑन द रोड्स, ये टाइगर वाइगर पूरा यहाँ पे पानी वानी पीने आते रहते हैं। बट इधर पे पानी वाला वाटर बॉडी को तो कहीं दिख नहीं रहा है। सो वी आर एट अरी गौडर ब्रिज, और यहाँ से हम लोग एंटर कर जाते हैं वेलकम टू कर्नाटका स्टेट। साला क्या ट्रैफिक लगा के रखा हुआ है यार यहाँ पे, बहुत पीछे तक लाइन है। तो बेवकूफ लोग हैं यार ऐसा, एक तो फॉरेस्ट एरिया में पतला सा रास्ता है उसमें इतना लंबा जाम लगा के रखा हुआ है। एक एक फोटो ले देते हैं इनका बहुत टैग। अरे वाह यहाँ पे भी हैं बहुत सारे, वाह। सही दिख रहे क्या यार, ये फिर से रोक लिए बंदीपुर टाइगर रिजर्व। इनका भी कुछ काम नहीं रहता है यार, रोक लिया अभी किसी ना किसी रीजन की वजह से, बस पैसा चाहिए रहेगा। किसी को ज्यादा सीन था। हाँ इसको इसको बोलते थोड़ा सा, इसको बोलते थोड़ा सा और आ गया, वो पैसा देते हैं। सही में वो ट्रैक्टर वाले ने तो मार ली उसकी। ब्रो हाँ नहीं नहीं आ जाएगा, यही था यही था, हाँ यही है यही है। अरे भाई लड़ गया बंदा बिल्कुल। सही, पांच छह पुलिस वाले। Literally fought with them. He was shivering like this. अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मैसूर रोड, और ये लेफ्ट साइड में चल रही है चामुंडी हिल्स, और काफ़ी टाइम बाद आया ये वाले रूट में। एक्चुअली यहाँ पे ये वाले रूट का ख़राब बात ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, और वो मैसूर रोड दोबारा जब ज्वाइन करेंगे तो और ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। देन उसके बाद में हम लोग ज्वाइन कर जाएंगे बैंगलोर मैसूर हाईवे, वहाँ वाले में बस ये है कि थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक एक्सप्रेस वे कॉरिडोर बन रहा है, तो उसकी वजह से अभी तो काफ़ी सारा डाइवर्जन है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे पूरा ये जो 8 लेन हाईवे कॉरिडोर का यहाँ पे बैंगलोर टू मैसूर वाला काम चल रहा है पूरा, बट पता नहीं यार कब बनेगा। मतलब इस रूट पे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है भाई साहब, यहाँ
तो यहाँ से हो जाता है शुरू मेन वाला ट्रैफिक, और यहाँ से पूरा बैंगलोर एंटर करने तक चलेगा। बाय गॉड, मतलब ख़तरनाक वाला। बट ये कुछ तो फ्लाईओवर वाला सीन बन रहा है यार, मतलब अच्छा है एक्चुअली। काफ़ी सिटीज़ क्रॉस कराते हैं, ज़्यादा बेटर है। यो, तो अभी हम लोग यहाँ से पहुँच चुके हैं, वेलकम टू सिल्क सिटी रामनगरा। तो रामनगरा यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे शोले वाले की शूटिंग सारा यहीं पे हुआ था। एंड काफ़ी पास है बैंगलोर से, और यहाँ से हम लोगों को बैंगलोर कुछ रह जाएगा अराउंड 50 किलोमीटर्स। तो अभी फाइनली अच्छी वाली रोड शुरू होगी, और बैंगलोर यहाँ से थोड़ा सा ही दूर रह गया है। और रात हो जाएगी तो फिर आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा ब्लॉग में। आगे आने वाली राइड्स की जो आप लोगों को अपडेट है वो सारी मेरी इंस्टाग्राम पे मिलती रहेगी। माय इंस्टाग्राम आईडी इज़ विकेट राइडर ब्लॉग्स, डू चेक आउट। काफ़ी सारे पोस्ट हैं, रील्स हैं, मैं डालते रहता हूँ। कैसे कैसे महारत लोग हैं, मतलब उसको ट्रक लग रहा है ना, एडवेंचर टूरर चला रहा है सीरियसली। क्या कैसे कैसे लोग हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। पूरा ऑफ रोडिंग करके जा रहा है ऐसे, पूरा ट्रक डोल रहा है इधर उधर। सो फाइनली गाइज, अभी मैं यहाँ पे एंटर कर चुका हूँ नाइस रिंग रोड, और अब तो बैंगलोर आ ही गया। मतलब है तो वैसे नाइस रिंग रोड काफ़ी बाहर, बट अब पहुँच चुके हैं। अभी मस्त दौड़ाएंगे, तुमकुर रोड पे ज्वाइन करेंगे रोड, एंड सनसेट होने वाला है तो होपफुली 7 o'clock तक पहुँच जाएंगे। आई थिंक 1 घंटा लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, बट कुछ कह नहीं सकते बैंगलोर में। 3 दिन का राइड मस्त अमेजिंग फन वाला रहा। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो, और 3 दिन का जो सीरीज़ था आप लोगों को अगर पसंद आया होगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कर देना एक छोटा प्यारा सा कमेंट। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। दिस इज़ योर विकेट राइडर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।